ओम नारायण 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 नारायण। दोस्तों अभी अभी मैं शांची देखकर थिएटर से बाहर आया हूँ और मैं अपने आप को रोक नहीं पाया वीडियो बनाने से। मैं बस इतना ही कहूँगा, ये इस वर्ष की मैंने देखी हुई सबसे बढ़िया फिल्म है। हाँ, सबसे बढ़िया फिल्म, सबसे बढ़िया फिल्मों में से एक भी नहीं कहूँगा, पर मैं इसे सबसे बढ़िया कहूँगा। और मैं सच कहता हूँ दोस्तों, मैं बिल्कुल ही ज़ीरो एक्सपेक्टेशंस के साथ देखने के लिए गया था फिल्म को। उल्टा मतलब ज़ीरो छोड़िए, मैं तो मतलब थोड़ा सा निगेटिव ही माइंड था मेरा, क्योंकि जब से मार्वल का फेज़ फोर शुरू हुआ है मुझे सीरियसली बिल्कुल भी पसंद नहीं आया है मार्वल के फेज़ फोर में अभी तक का जितना कंटेंट आया है। पर ये फिल्म मतलब मैं इतने निगेटिव माइंड के साथ गया था, ज़ीरो एक्सपेक्टेशंस के साथ गया था, पर फिर भी मैं आपको ये कह रहा हूँ कि हाँ, मुझे फिल्म ने इतना सरप्राइज़ किया है कि मतलब अगर डेढ़ दो वर्ष के बाद आप पहली बार थिएटर में कोई फिल्म देखने का एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं तो हाँ, ये वही फिल्म है जिसके लिए आप पैसे खर्च कर सकते हैं, थिएटर जा सकते हैं, अपने पूरे परिवार के साथ ये फिल्म आप देख सकते हैं। और मार्वल की भी मैं इसे वन ऑफ द बेस्ट फिल्म कहूँगा। ये फिल्म एक विजुअल ट्रीट थी, हर तरीके से एक्सेप्शनल थी, हर तरीके से यूनिक थी। इसकी कहानी आप ले लीजिए, मार्वल में ऐसी कोई कहानी, ऐसी कोई फिल्म आपने इससे पहले नहीं देखी होगी, कहानी के पॉइंट ऑफ व्यू से या जो विजुअल्स थे, जो कंप्यूटर ग्राफिक्स, जो जिस प्रकार से वो ड्रैगन और जो भी था। मैं आपको यहाँ पर कुछ ज़्यादा स्पॉयलर्स दूंगा नहीं, पर हाँ, ये फिल्म आपको थिएटर में ही बड़ी स्क्रीन पर ही देखनी चाहिए। और ये एक ऐसी फिल्म है, इसे अगर आप थिएटर में मिस कर देंगे ना, बाद में जब आप छोटी स्क्रीन पर, मोबाइल पर वगैरह इसे देखेंगे, तब आपको दुख होगा कि यार मैंने इसे थिएटर में मिस कर दिया, मैंने इसे बड़ी स्क्रीन पर नहीं देखा। और ये वो फिल्म है जो आपको बड़ी स्क्रीन पर ही, बड़े पर्दे पर ही, थिएटर में ही देखनी चाहिए। और सच में मतलब ऐसा एक्सपीरियंस फिल्म ने मुझे दिया है, इतना फिल्म ने मुझे सरप्राइज़ किया है, तभी जाकर मैं ये बातें आप सबसे कह रहा हूँ। इसे मैं अब तक की सबसे बढ़िया सुपर हीरो फिल्म तो कहूँगा ही, पर उसके साथ में ही इसे हम एक फैंटेसी फिल्म भी कह सकते हैं। एक पूरा फिक्शनल वर्ल्ड, एक पूरा अलग ही यूनिवर्स हम उसको कह सकते हैं, यूनिवर्स तो नहीं पर एक पूरी अलग दुनिया थी, जहाँ पर अलग अलग प्रकार के क्रीचर्स जो आपने इससे पहले कभी भी किसी भी फिल्म में नहीं देखे होंगे, ऐसे कुछ क्रीचर्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। और जो एक्शन सिक्वेंसेस थे, सबसे बढ़िया बात तो मैं बताना रह गया, इतना सब कुछ मैंने बोल दिया, एक्शन सिक्वेंसेस। इसे मैं केवल सबसे बढ़िया सुपर हीरो फिल्म नहीं तो सबसे बढ़िया एक्शन फिल्म भी कहूँगा। जो कुंग फू एक्शन सिक्वेंसेस थे ना, वो आपने इससे पहले मतलब देखे होंगे, पर यहाँ पर मैं अपनी पलके तक नहीं झपका पाया, पूरे शरीर पर मेरे रोंगटे खड़े हो रहे थे मैं पूरी फिल्म को जब देख रहा था, और मैं अपनी पलके तक झपकाने की इच्छा नहीं हो रही थी, क्योंकि मैंने कहा ना, फिल्म विजुअल ट्रीट है, आँखों को सुकून देती है। और इसलिए अगर आपको एक्शन फिल्म्स देखना पसंद है तो भी आप इस फिल्म को मिस नहीं कर सकते, अगर आप कोई फैंटेसी वर्ल्ड देखना चाहते हैं तो भी आप इस फिल्म को मिस नहीं कर सकते, अगर आप कोई सुपर हीरो फिल्म देखना चाहते हैं तो भी आप इस फिल्म को मिस नहीं कर सकते हैं। और सबसे बढ़िया बात तो ये कि इस फिल्म को देखने के लिए आपको कोई मार्वल फैन होने की आवश्यकता नहीं है, या इससे पहले की मार्वल मूवीज़ को आपने देखा हुआ होना चाहिए, इसकी भी कोई भी आवश्यकता नहीं है। आपको मार्वल के बारे में कुछ भी नहीं पता है, या एंड गेम या इन्फिनिटी वॉर इनमें क्या हुआ है, क्या क्या नहीं हुआ है, इसके बारे में आपको कुछ भी नहीं पता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ऐसे ही चले जाइए, फिल्म को आप एंजॉय करेंगे। ये पूरी तरीके से अपने आप में एक यूनिक फिल्म है, एक अनोखी फिल्म है, सब कुछ आपको इसमें नया देखने को मिलेगा, पिछला कुछ भी आपको जानने की, समझने की, याद रखने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। और दोस्तों आपको याद होगा, मैंने वांडा विजन के रिव्यू में कहा था कि मार्वल को अब कुछ नया लेकर के आना चाहिए। फेज़ फोर में अभी तक जितना भी कंटेंट आया था वो सब कुछ पिछले समय में इन्फिनिटी वॉर या एंड गेम से पहले क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, उसी में मार्वल अटका हुआ था, वहाँ से बाहर निकल ही नहीं रहा था। इसलिए मैंने वांडा विजन के रिव्यू में भी कहा था, देखिए कि कुछ नया मार्वल को करना चाहिए, कुछ नए सुपर हीरोज लेकर के आना चाहिए, कुछ नए यूनिवर्स, कुछ नई दुनिया, कुछ अलग हमें देखना है। वही बार बार वही पुरानी बातें, इन्फिनिटी वॉर, एंड गेम के पहले की बातें, उसको रिपीट नहीं करना चाहिए। और हाँ, शांग-ची ये बिल्कुल वैसी ही फिल्म है जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था। हालांकि फिल्म देखने से पहले मेरे एक्सपेक्टेशंस बिल्कुल ज़ीरो थे फेज़ फोर के कारण, पर ये फिल्म इस फिल्म ने मुझे हर तरीके से सरप्राइज़ किया है। फिल्म में कॉमेडी भी थी, फैमिली ड्रामा भी था, ढेर सारे अलग अलग प्रकार के क्रिएचर्स भी थे, एक्शन भी ढेर सारा है, बहुत सारा एक्शन है, ऐसा एक्शन है कि जिससे आप अपनी आंखें भी नहीं हटा सकते हैं। खासतौर पर जो बस वाला, जो शुरुआत में ही हमें एक बस के अंदर जो एक्शन सिक्वेंस हमें देखने को मिलता है, उसके अलावा एक बिल्डिंग के बाहर जो एक्शन सिक्वेंस था वो मुझे बहुत बहुत पसंद आया। और ये तो मैंने केवल शुरुआत के दो बताए हैं मैंने एक्शन सिक्वेंसेस, इसके अलावा भी सेकंड हाफ में भी बहुत सारे ऐसे आपने बिल्कुल भी इमेजिन नहीं किया होगा
ऐसे कुछ एक्शन सिक्वेंसेस, ऐसे कुछ विजुअल्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो कॉमेडी, फैमिली ड्रामा, ढेर सारे अलग अलग प्रकार के क्रिएचर्स, ढेर सारा एक्शन, ढेर सारे अलग अलग प्रकार के सुपर पावर्स, सब कुछ आपको इसमें देखने को मिलेगा। आवाज़, चलिए कोई बात नहीं, एक बात बतानी रहेगी दोस्तों, मैंने फिल्म को हिंदी में देखा है और हिंदी डबिंग मुझे बिल्कुल पसंद आई। इस बार मार्वल ने हमें निराश नहीं किया है, नहीं तो कई बार मार्वल की जो हिंदी डबिंग है वो हमें निराश करती है। इसके पहले भी मैं इस पर कई बार वीडियो बना चुका हूँ। ज़बरदस्ती के जो बॉलीवुड के रेफरेंसेस वगैरह डाले जाते हैं, ज़बरदस्ती जो फनी बनाने का प्रयास किया जाता है, वो इस फिल्म में मुझे देखने को नहीं मिला। हालांकि कुछ दो तीन जगह पर बाबू मोशाय वगैरह इस प्रकार के कुछ शब्द हमें सुनने को मिलते हैं, जो नहीं होते तो बढ़िया रहता, पर वो केवल दो तीन जगह पर ही थे। बाकी तो पूरी फिल्म में हिंदी डबिंग मुझे पसंद आई। ट्रांसलेशन के बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता क्योंकि मैंने केवल हिंदी में फिल्म देखी है, पर मैं इसे इंग्लिश में भी ज़रूर देखना चाहूँगा क्योंकि एक ऐसी फिल्म है जिसे एक बार देखने से तो मन नहीं भरा, एक बार मैं और इसे अवश्य देखना चाहूँगा इंग्लिश में भी। तो जब इंग्लिश में देखूँगा तो हो सकता है उसके बाद एक और मैं वीडियो अपलोड कर दूँगा। बाकी इसका फुल रिव्यू देखते हैं, फुल रिव्यू भी, स्टोरी के बारे में उस समय हम बात करेंगे, तो पूरी तरीके से स्पॉइलर फ्री रिव्यू था। बस इससे ज़्यादा मुझे लगता कि और कुछ फिल्म के बारे में कहने की आवश्यकता है। बाकी महाराष्ट्र में तो थिएटर खुले नहीं हैं, पर बाकी जगह पर जो भी मित्र जहाँ पर थिएटर खुले हैं, आप बिल्कुल इस फिल्म को देखने के लिए जा सकते हैं। ये फिल्म कहीं से भी किसी भी प्रकार से आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगी। मैं शांची को दूंगा 9 out of 10 स्टार्स। बाकी आपने अगर इस फिल्म को देखा है तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा मुझे आप नीचे कमेंट में अवश्य बताइए। पैरेंटल गाइडेंस की कोई आवश्यकता नहीं है फिल्म में, कोई सेक्स, न्यूडिटी कुछ भी नहीं है। हाँ, बस एक्शन सिक्वेंसेस है और वो बिल्कुल आप पूरे परिवार के साथ में बैठकर देख सकते हैं। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। अभी मेरा हाथ थोड़ा सा हिलने लग गया है, तो हाँ, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम। इसे में एक बेस्ट सुपर हीरो, इसे में एक बेस्ट, और सबसे बढ़िया बात तो, और सबसे बढ़िया बात तो यह है कि इस फिल्म, और देखिए, और दोस्तों आपको याद होगा मैंने जब